निकल रहे इसके अंदर से। अब देखिए धीरे धीरे प्लेट बाहर आ रहा है, मैं थोड़ा ढक्कन को बंद कर देता हूँ यहाँ से। ये प्लेट ऊपर आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे प्लेट के ऊपर से दाने बाहर आ रहे हैं फूल के, बन बन के नीचे गिर रहा है, देख सकते हैं आप पूरा ये नीचे के टब भर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए प्लेट पूरा ऊपर आ चुका है, यहाँ पे मटेरियल नीचे भी गिर चुका है और ऊपर भी प्लेट। ये 100 ग्राम हमने मटेरियल डाला है, 100 ग्राम के दाने डाले हुए इसके अंदर। देखिए कितना प्लेट ऊपर आ रहा है इसका, धक्का मार के जितना फूल के उतना धक्का दे रहा है, इसी वजह से प्लेट ऊपर आ रहा है बाहर की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस। दोस्तों आज की स्पेशल वीडियो पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक मॉडल की पूरी वीडियो बना रहा हूँ। पॉपकॉर्न मशीन कौन से मॉडल आते हैं, पॉपकॉर्न कैसे बनाया जाता है, कैसे रेसिपी बनाया जाता है, कितना क्वांटिटी के अंदर कितना पॉपकॉर्न बनता है, एक पॉपकॉर्न का कप बनाने का कितना खर्चा जाता है और बाजार में एक पॉपकॉर्न का कप कितने में आप बाजार में सेल कर सकते हो, वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी देखिए, जिससे आपको माहिती नॉलेज मिले कि कैसे मशीन को ऑपरेट किया जाता है, कैसे चलाया जाता है, बेस्ट क्वालिटी का मशीन कैसे लिया जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों टाइम गवाए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास वीडियो में दो मॉडल्स अवेलेबल है, एक तो ट्रॉली वाला पॉपकॉर्न मशीन है जो पूरा कांट है इसका, पूरा हैवी व्हील्स के अंदर कहीं पे भी रोड एरिया मार्केट एरिया में आप लगा के अपना बिजनेस कर सकते हो। दूसरा मॉडल है ओनली टेबल टॉप मशीन है, ये कोई भी काउंटर या टेबल के ऊपर आप रख के अपना खुद का पॉपकॉर्न का मशीन बिजनेस कर सकते हो दोस्तों। तो दोनों आपका जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपको पूरा कांट चाहिए तो पूरा कांट ले सकते हो, खाली मशीन चाहिए तो खाली मशीन ले सकते हो। पूरे कार्ट सिस्टम में यहाँ पे सब ड्रॉवर सिस्टम दिया गया है, ये पूरा एक्स्ट्रा लुक दिया गया है, प्लस यहाँ पे आप मूवमेंट कर सकते हो, मैं आपको थोड़ा मूवमेंट करके भी बताता हूँ मशीन को। ये आप देख सकते हैं इसको हिलन चिलन भी आप कर सकते हो आसानी से, नीचे मूवमेंट वाले व्हील दिए गए और यहाँ पे बड़े एयर वाले व्हील दिए गए, आप देख सकते हो पूरा ऐसे आप इसको मूवमेंट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे बॉक्स दिया है, कोई भी रॉ मटेरियल आपको फिट करना है तो यहाँ पे आप बॉक्स में रॉ मटेरियल है। अगर मशीन को बैटरी इन्वर्टर से चलाना है तो बैटरी इन्वर्टर भी इसके अंदर लगा के आप बाजार में आसानी से बिजनेस कर सकते हो। प्लस कोई भी रॉ मटेरियल जैसे कि हल्दी है, नीमक है, ऑयल है या पॉपकॉर्न के ऐसे लूज दाने है, अगर ऐसा भी आपको इसके अंदर स्टोर करना है तो आसानी से स्टोर कर सकते हो दोस्तों। बहुत ही कम इन्वेस्ट के अंदर दोस्तों रोजाना 5 से 6 हज़ार रुपए का प्रॉफिट कर सकते हो मिनिमम इन्वेस्ट के अंदर दोस्तों। मशीन की बहुत इतनी कीमत है नहीं, उसके अंदर रोज का आप 10 से 12 हज़ार का नेट प्रॉफिट कर सकते हो दोस्तों। तो मैं आपको इसमें पॉपकॉर्न मेक करके बताता हूँ दोस्तों कि पॉपकॉर्न मेक कैसे किया जाता है। मशीन के अंदर हमारे यहाँ पे 3 फंक्शन दिए गए दोस्तों मशीन में, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको फंक्शन दिखा देता हूँ जहाँ से आप पॉपकॉर्न मेक करेंगे, यहाँ पे इसका खिड़की खुलेगा, इसका खिड़की ओपन होता है इसे, और यहाँ पे नीचे स्टोरेज दिया गया है जहाँ पे आप पॉपकॉर्न बना के एक साथ 10-20 बॉक्स बना के रेडी रख सकते हो। यहाँ पे भी पूरा हीटर सिस्टम दिया गया है, आपने जो पॉपकॉर्न बना के रखा है वो भी गर्म और हीट रहेगा दोस्तों, वो ठहर नहीं जाएगा, ठंडा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे सब बटन है, जब मशीन आपको स्टार्ट करना है तो आप यहाँ से इसको इसका मोटर स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे इसका हीटर जब चालू करना है बटन, और लाइट चालू करने के लाइट और हीटर दोनों एक ही स्विच में है, स्विच बटन दबाने से लाइट स्टार्ट हो चुका है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो स्टिक है बीच में आपने कोई भी रॉ मटेरियल इंटीग्रेंट्स डाला है जैसे हल्दी ना नमक ऑयल डाला है तो उसको मिक्सचर करने के लिए यहाँ पे मोटर है, ये स्टार्ट करने से मोटर चलता है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मोटर मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे। और जब आपको पॉपकॉर्न बनाना है तब यहाँ पे आप हीटर का बटन दबा के अंदर के जो टब है उसका हीटर भी स्टार्ट कर सकते हो इसे। अभी हम इसको पॉपकॉर्न रेडी होने के बाद आपको ये क्लिप है, क्लिप में से इसको छुड़ा देना है, ऐसे छोड़ के पूरा टब नीचे आ जाएगा और जितना भी पॉपकॉर्न आपका पड़ा है वो सब नीचे गिर जाएगा दोस्तों इस तरह से। तो चलिए दोस्तों टाइम गवाए बिना मैं आपको स्टार्टअप बताता हूँ कि कैसे इसको ऑपरेट किया जाता है, कैसे चलाता है आपको। पूरी मशीन ग्लास में है, कोई भी जगह एक्रेलिक प्लास्टिक नहीं है, पूरा कांच पे बनाया है, जिससे हीटिंग होने से अगर फाइबर या प्लास्टिक होता है तो पिघल जाता है दोस्तों। हम भी हमने पॉपकॉर्न ये बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं ये व्हाइट कलर का जो पॉपकॉर्न है ये ऑयल बिना का बनाया हुआ है, ऑयल नमक हल्दी कुछ भी नहीं डाला है, नॉर्मल सिस्टम से खाली ऐसे कैसे दाने डाल दिए और बन चुका है। और ये वाला है इसमें हमने हल्दी डाला है, ऑयल डाला है और नमक डाला है टेस्ट के लिए। आपको जैसा भी टेस्ट बनाना है वो सा आपको ऑयल में बनाना है, आपको बटर में बनाना है तो बटर डाल सकते हो, ऑयल में डालना है ऑयल डाल सकते हैं, चीज़ में बनाना है तो चीज़ भी डाल सकते हो दोस्तों। तो ये हमारे पास दाने पड़े हुए हैं दोस्तों, ये दाने का बाजार में कीमत 120 रुपए किलो है, 120 रुपीज किलो मतलब 112 रुपए का 100 ग्राम है। अभी हम एक कप के अंदर 100 ग्राम दाना लेंगे, यहाँ पे वेट करने के लिए कट्टा भी हमने रखा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे कट्टे के अंदर वेट करेंगे इसका, 100 ग्राम लेंगे इसका, 100 ग्राम दाना लेंगे इसमें हम।
100 ग्राम्स दाना आ चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे दिखाई अच्छे से। अब ऐसे 100 ग्राम्स दाना ले लिया हमने, अभी ऑयल है, हम इसका ऑयल वाला आपको बना के दिखाएंगे। सबसे पहले इसका जो टब है उसके अंदर हम ऑयल डालेंगे, यहाँ पे जो टब है उसके अंदर हम ऑयल डालने वाले हैं। ये ऑयल डाला है हमने इसमें, आप देख सकते हैं। ऑयल डालने के बाद थोड़ा नमक डालेंगे, एक चमची जो नमक का बैग पड़ा है इसमें हम नमक डालेंगे, नमक है हमारे पास। 100 ग्राम्स 12 रुपए के दाने के अंदर कितना पॉपकॉर्न आपको तैयार होता है वो हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। हल्दी का चमची डालेंगे, आप देख सकते हैं हल्दी हमारे पास है। थोड़ा नमक और डाल देंगे टेस्ट के लिए। अभी हम मशीन को, मोटर जो अंदर दिया उसको स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो हमने नमक हल्दी सब डाला है वो अच्छे से प्रॉपर मिक्स हो रहा है इसके अंदर दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियो दिखाइए थोड़ा अंदर से मालूम हो गए, यहाँ से कांच में से दिखाइए, दिखाई से बोलो दिखाई। ये देख सकते हैं आप अच्छे से नमक हल्दी और ऑयल ये तीनों चीज प्रॉपरली अच्छे से मिक्स हो रहा है इसके अंदर। उसके बाद आगे तीले थोड़ो हमने जो दाने डाले इसके अंदर हम दाने डालेंगे अंदर से, देखा जो है ये दाना इसके अंदर डालेंगे, इससे अच्छे से मिक्स होने वाला है। आप देख सकते हैं पूरा ये दाना हमने डाल दिया टोटली पूरा। अभी हम इसका जो प्लेट है इसको ढक देंगे, ये प्लेट जो रहता है इसको हम दबा देंगे, ये प्लेट नीचे आ जाएगा, आप देख सकते हैं प्लेट नीचे आके ढक्कन इसका कवर लग गया है। अभी हम हीटर चालू करेंगे, हीटिंग होने के लिए यहाँ पे हीटर का स्विच दिया गया, हीटर स्टार्ट करेंगे। 100 ग्राम का पॉपकॉर्न का पूरा पैकेज तैयार होने वाला है दोस्तों, ये आपको वीडियो के अंदर लाइव दिखने वाला है दोस्तों। मोटर भी स्टार्ट है, इसका हीटर भी स्टार्ट है, और इसका अपना जो हीटिंग का जो अंदर का टब है उसका हीटिंग का भी वर्किंग भी स्टार्ट है दोस्तों। तो एक कप बनाने का खर्चा आपको कितने में गिरेगा दोस्तों, और मार्केट में आप कितने में सेल कर पाएंगे वो भी आपको वीडियो के अंदर पूरा दिखाने वाले हैं। कप ले ले तो खाली भी जा, 5-6 ग्लास अभी देवा, यहाँ पे अच्छे से प्रॉपरली मिक्स हो रहे हैं दाने, अभी जो हमने दाना डाला है वो अच्छे से मिक्सिंग हो रहा है। जितना आप क्वांटिटी कम डालेंगे उतना टाइमिंग कम होगा, जितना आप क्वांटिटी, वैसे भी हमने 100 ग्राम्स डाला है, अगर आप 50 ग्राम डालते हो तो उसमें टाइमिंग कम रहेगा, अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा डालते हो जैसे कि 100 ग्राम्स की जगह 200 ग्राम्स डालते हो तो क्वांटिटी टाइमिंग उतना बढ़ेगा इसके अंदर दोस्तों। अराउंड ओनली 1 मिनट 40 सेकेंड हुआ है, चालू हो रहा है धीरे धीरे, देखो पकने का आवाज़ आ रहा है धीरे धीरे हमारे को। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा झूम करके दिखाई अंदर का टब का पोजीशन दिखाई हमारे व्यूवर्स को, देखिए आप यहाँ पे पक रहा है धीरे धीरे, हीटिंग प्रॉपर पकड़ रहा है धीरे धीरे, आप देख सकते हैं दिखाई से। अभी हम इसको ढक देंगे, ऑटोमेटिकली जो प्लेट है वो ऊपर आने वाला है, अभी हमको ऊपर लेने का जरूरत नहीं है, जब टब बाउल इसका पूरा भर जाएगा तो ऑटोमेटिकली उछल के आपको प्लेट सामने से ही दिखेगा। प्लेट के ऊपर ही फोक्स रखना जरा, प्लेट जो दिया है उसके ऊपर ही जरा फोक्स रखना अपना। आप देख सकते हैं धुएं भी निकल रहे हैं इसके अंदर से, आप देखिए धीरे धीरे प्लेट बाहर आ रहा है, मैं थोड़ा ढक्कन को बंद कर देता हूँ यहाँ से, ये प्लेट ऊपर आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे प्लेट के ऊपर से दाने बाहर आ रहे हैं फूल के, बन बन के नीचे गिर रहा है, देख सकते हैं आप पूरा ये नीचे के टब भर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए प्लेट पूरा ऊपर आ चुका है, यहाँ पे मटेरियल नीचे भी गिर चुका है और ऊपर भी प्लेट, ये 100 ग्राम हमने मटेरियल डाला है, 100 ग्राम के दाने डाले हुए इसके अंदर, देखिए कितना प्लेट ऊपर आ रहा है इसका, धक्का मार के जितना फूल फूल के उतना धक्का दे रहा है, इसी वजह से प्लेट ऊपर आ रहा है बाहर की तरफ। ये पूरा बॉक्स भर चुका है यहाँ पे, आप देख सकते हैं पूरा। अभी हम इसको निकालेंगे, ये बन के अपना पॉपकॉर्न तैयार हो चुका है, टब भर चुका है, अभी हम हीटर को बंद कर देंगे और यहाँ पे टाइमिंग देख लेंगे कितना टाइमिंग के अंदर, 2 मिनट 30 सेकंड के अंदर, 2 मिनट 30 सेकंड के अंदर अपना लॉट बन के तैयार हो चुका है। अभी हम इसको निकालेंगे अंदर से, इसका मोटर भी बंद कर देंगे, आप देख सकते हैं पूरा ये टब भर के निकल चुका है, ये पूरा खाली हो चुका है टब, आप देख सकते हैं पूरा। अभी 12 रुपए का जो हमने मटेरियल डाला था उसमें से कितने ग्लास फिलअप हुए वो हम आपको लाइव दिखाने वाले दोस्तों, इसमें भर के ग्लास हमारे पास जो बाउल भरे हुए हैं, बाउल भर के आपको दिखाएंगे कि कितने ग्लास तैयार हुए। यहाँ पे एक ग्लास रखा हमने, कितने का आपको सेलिंग होगा 12 रुपए के अंदर, आपको सेलिंग कितने का होगा वो हम आपको बता रहे हैं। दूसरा ग्लास हुआ,
गिलास आप दे बीजा। अब देख सकते हैं हम भर भर के सब गिलास यहाँ पे रख रहे हैं, जितने गिलास भरने वाले हैं सब रख के यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 गिलास भर के रेडी है। अभी हम इसको थोड़ा निकाल देंगे, गिलास खाली कर देंगे, यहाँ पे 6 निकाल देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा टोटल 6 भर के तैयार थे हमारे पास। अभी दूसरे कितने भर रहे हैं वो भी आपको लाइव दिखा रहे हैं भर के। ये 7 नंबर हो गया। ये 8 नंबर। ये 9 नंबर हो गया अपना। ये 10 नंबर। 6 पहले थे, 4 अभी भर चुके इसमें। ये 11 हो गया। ग्यारह और हाफ 11.5 ग्लास आपको 12 रुपए के अंदर मैक करके दिया है दोस्तों मशीन ने। 12 रुपए का रॉ मटेरियल और ऊपर का इलेक्ट्रिसिटी, हल्दी है 1 रुपए का, हल्दी है 50 पैसे का, नमक है 3 रुपए का, 4 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इतना मटेरियल बना के अंदर अपना इलेक्ट्रिसिटी जो यूज हुआ है वो 0.25 यूनिट्स का इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ है इसके अंदर। तो है ना, ओनली 2 रुपये आप यूनिट उस मैक्सिमम 15 रुपए के अंदर आपको 11.5 कप बन के तैयार हो चुके हैं दोस्तों। 11.5 कप बन के तैयार है। मिनिमम आप मैक्सिमम 10-12 रुपए में सेलिंग होता है दोस्तों इस कप का। 110-115 रुपए तक का बिक्री होता है दोस्तों। 15 रुपए के अंदर आपको 110-115 रुपए का बिक्री होता है। उससे भी आप कम मिनिमम में गिनेंगे कि 5-5, 6-6 रुपए का गिलास बेचेंगे तो भी आपको दोस्तों 15 रुपए के अंदर 5 रुपए का भी आप गला कप सोचेंगे कि मैं 5 रुपए का सेल करूंगा तो भी 15 रुपए का माल के अंदर दोस्तों आपको 11 कप का हिसाब से आपको 55 रुपए का सेलिंग होता है दोस्तों। 15 रुपए का रॉ मटेरियल उसमें 55 रुपए का बिक्री होता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। कम से कम इन्वेस्ट के अंदर, कम से कम इन्वेस्टमेंट के अंदर लो इनकम, लो इन्वेस्ट मशीन है, हाई इनकम है दोस्तों। आज की तारीख में सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस है, सभी लोग पसंद करते हैं। मार्केट एरिया है, रोड एरिया है, थिएटर है, कहीं पर भी आप लगा के अपना खुद का एक बिजनेस कर सकते हो दोस्तों। तो इस तरह की मशीन की, खाली मशीन का प्राइस जानने के लिए, ट्रॉली वाला मशीन का प्राइस जानने के लिए हमारी कंपनी डॉल्फिन अप्लायंस की सेल्स टीम के अंदर आप कांटेक्ट करके हर एक डिटेल जानकारी फंक्शन ले सकते हो दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। जिसके पास बिजनेस नहीं है, जिसके पास रोजगार नहीं है, तो आप ऐसा छोटा सा मशीन लेके अपना खुद का रोजगार लेके रोजाना 7-8-10 हज़ार रुपए का आपकी काबिलियत के ऊपर प्रॉफिट कर सकते हो। कई लोग फ्री में बैठे बैठे इसको पैकिंग करते, एक पैकिंग का मशीन आता है 15 हज़ार रुपए का, पॉपकॉर्न बना बना के पैकिंग करके रोज का 2-2 हज़ार 1500 कप बना के होलसेल में भी सेल करते हैं दोस्तों। तो इस तरह का बेहतरीन क्वालिटी का मशीन के लिए ज्यादा जानकारी, ज्यादा डिटेल, ज्यादा जानकारी के लिए डॉल्फिन अप्लायंस में एक बार जरूर कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉल्फिन अप्लायंस।